आंध्र प्रदेश के श्री शैल पर्वत पर विराजमान हैं भगवान श्री मल्लिकार्जुन। महाभारत में लिखा है कि श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कहते हैं श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। पुराणों की कथा के मुताबिक एक बार श्री गणेश और श्री कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में लड़ने लगे। माँ पार्वती ने कहा कि जो पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाकर पहले यहाँ पहुंचेगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। कार्तिकेय तो तुरंत निकल लिए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती के साथ चक्कर लगा लिए और इस तरह पृथ्वी प्रदक्षिणा हो गई। उधर जब कार्तिकेय पृथ्वी के चक्कर लगाकर लौटे, तब तक सिद्धि और बुद्धि नाम की दो कन्याओं के साथ भगवान गणेश का विवाह हो चुका था। क्षेम और लाभ नाम के तो पुत्र भी हो चुके थे। ये देखकर कार्तिकेय को क्रोध आ गया और गुस्से में वो क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती उन्हें मनाने पहुंची और पीछे से भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब इनकी पूजा मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसीलिए यहाँ शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्षिण भारत के समुद्र तट पर बना ये है श्री रामेश्वरम मंदिर। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पार्वती सदा विराजत कैलासी। ऐसी मान्यता है कि लंका में रावण पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने समुद्र तट पर रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और श्री राम को रावण पर विजय श्री हासिल करने का आशीर्वाद भी दिया। श्री राम ने भगवान शंकर से विनती की थी कि वो लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा वास करें। राम की विनती भगवान शंकर ने स्वीकार कर ली। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा निराली है। मान्यता तो यहाँ तक है कि रामेश्वरम में विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। गंगोत्री से गंगा जल लेकर श्री रामेश्वरम में भगवान शिव पर चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है और इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। यही वजह है हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान रामेश्वर के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं।